दो अटैक, बीजेपी नॉर्मलसी का क्लेम कर रहे हैं। पहले इनको छोड़कर आप बीजेपी को जवाब देना चाहेंगे? जिस हिसाब से दो निहत्ते लोगों के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक हुआ, कल एक मजदूर के ऊपर अटैक हुआ, और बीजेपी नॉर्मलसी का क्लेम कर रहा है। जरंगी जी, आज के प्रोटेस्ट की क्या मुद्दा बताएंगे थोड़ा? देखिए, जिस प्रकार से आतंकवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ईदगाह के अंदर एक इंस्पेक्टर को पास से गोलियां मारी गई हैं तीन, और वो आज सोरा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके साथ ही कुछ घंटों के बाद मुकेश को और कुमार को जो है तोमची इलाके के अंदर, दक्षिण कश्मीर में जो उसके वहां पर गोलियां मारी गई हैं सेब के बाग के अंदर, और वो उसकी हत्या की गई है। तो ये सीधे सीधे टारगेट किलिंग है। और हम पहले भी सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि इस आतंकवाद को ठिकाने का लगाने का काम किया जाए। आज रजौरी हो, पूंछ हो या कश्मीर हो, लगातार कहीं ना कहीं आतंकवाद हमें बढ़ता नजर आ रहा है। तो सरकार को चाहिए इसको समाप्त करने के लिए, इसको दबाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और कश्मीर के अंदर जो नेता हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, केवल ट्वीट करते हैं आतंकवाद के ऊपर, केवल ट्वीट करने से उनकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती, वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी नेताओं की, सरकार की है। तो सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए, और उन नेताओं को सड़कों के ऊपर आकर सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करना चाहिए। क्यों सड़कों के ऊपर नहीं आते? हमास का समर्थन करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन आतंकवाद का विरोध करने के लिए ये लोग जो है सड़कों पर नहीं आते, केवल ट्वीट से अपना पलड़ा जो है वो झाड़ देते हैं। बीजेपी के स्टेटमेंट किससे? आतंकवाद से ना, कहीं ना कहीं आतंकवाद है, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आतंकवाद नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर दो टारगेट किलिंग नहीं होती वहां पर। तो टारगेट हुए हैं, एक इंस्पेक्टर टारगेट हुआ, एक मुकेश कुमार मारा गया है, तो टारगेट हुए हैं, तो आतंकवाद है। तो मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको स्थान मुहैया करवा रहे हैं, जो इनको धन मुहैया करवा रहे हैं, वो कुछ लोकल लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, पहले उनको कुचलने का काम करना चाहिए सरकार ने। जो 2021 में